स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 5 की एक्सरसाइज करेंगे, लर्निंग द साउंड्स। साउंड्स को सीखना है यहाँ पे, लेटर्स एंड साउंड्स। रीड द वर्ड्स एंड सर्कल देम इन द लेसन। आपने इन अल्फाज को पढ़ना है और फिर अपने लेसन में इन वर्ड्स को तलाश करके उन पे सर्कल लगाना है, ठीक है। लेट ट्रैवल टाइप स्टर, लेट ट्रैवल टाइप स्टर। अब आगे है रीड द गिवन वर्ड्स। अब हमने इन वर्ड्स को पढ़ना है। यहाँ पर देखें, व्हेन जब अ लेटर चेंज इन वर्ड्स द साउंड्स आल्सो चेंज। व्हेन जब अ लेटर, एक लेटर चेंज, तब्दील होता है इन वर्ड्स, अल्फाज में, द साउंड्स, तो जो साउंड होती है आल्सो चेंज, तब्दील हो जाती है, तो आवाज़ भी चेंज हो जाती है। जब किसी भी वर्ड में हम एक लेटर चेंज करते हैं तो उसकी साउंड जो है वो चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। अब यहाँ पर देखें कि पहला वर्ड हमने बनाया है W के साथ, हुई, तो हम यहाँ पर W की साउंड क्या है, वाओ की, ठीक है, हुई। और यहाँ पर फिर आगे है M के साथ, WE, हुई, तो यहाँ पे हमने W की जगह पे यहाँ पे हमने M कर दिया, तो इसकी साउंड जो है वो चेंज होगी, ये वही है, और यहाँ पे मी, ठीक है, बिल्कुल इसकी साउंड चेंज हो गई। अगर हम किसी भी वर्ड में उसका पहला लेटर या कोई भी लेटर चेंज कर देते हैं तो उसकी साउंड जो है वो तब्दील हो जाती है, ये वही है और ये मी है। यहाँ पर देखें, कैन, सी एन, कैन, अब हमने सी की जगह पे यहाँ पे एफ लिख दिया तो इसकी साउंड चेंज हो गई, फैन, कैन, फैन, कैन, फैन। यहाँ पर है सी, एस डबल ई सी, और एस की जगह पे अब हमने यहाँ पे बी लगा दिया, सी और ये बी, एस डबल ई सी, बी डबल ई बी, सी बी, बी कहते हैं शहद की मक्खी को, सी देखना, बी शहद की मक्खी। चेंज द वर्ड्स बाई चेंजिंग देयर इनिशियल लेटर्स, चेंज द वर्ड्स, अब हमने वर्ड्स को चेंज करना है बाई चेंजिंग देयर इनिशियल लेटर्स, जो इनके स्टार्ट वाले लेटर्स हैं, जिस तरह हमने ये ऊपर वर्ड्स पढ़े हैं, इनके स्टार्ट वाले लेटर्स को चेंज करके हमने मज़ीद वर्ड्स बनाने हैं। तो अब ये देखें, बैट है, तो हमने पहला पहला लेटर जो है चेंज करते जाना है और मज़ीद वर्ड्स बनाने हैं। बैट, कैट, हैट, रैट, देखें पहले बी की जगह पे मैंने यहाँ पे सी कर दिया, यहाँ पे एच कर दिया, यहाँ पे आर कर दिया, तो सब वर्ड्स की साउंड जो है वो चेंज हो गई, बैट, कैट, हैट, रैट। अब यहाँ पर है रन, ठीक है, इसी तरह हम ये करेंगे, रन, आर को चेंज कर दिया, सन, फिर एस को भी चेंज कर दिया, आर को भी चेंज कर दिया, जैसे रन है, सन, गन, बन, पहला पहला लेटर चेंज कर दिया और सबकी साउंड चेंज हो गई, रन, सन, गन, बन। अब यहाँ पर है फाइन, फाइन, पहला लेटर हमने चेंज कर दिया, फाइन, यहाँ पर माइन, लाइन, माइन, लाइन, आगे वाले लेटर्स जो हैं वो वही हैं, पहला लेटर हमने चेंज कर दिया तो इनकी साउंड चेंज हो गई, फाइन, माइन, लाइन। रीड द टेक्स्ट एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, ये डायलॉग पढ़ते हैं। कैन आई प्ले वीडियो टॉय, कैन आई प्ले, क्या मैं खेल सकती हूँ, वीडियो टॉय, आपके खिलौने के साथ क्या मैं खेल सकती हूँ, येस यू कैन, जी हाँ यू कैन, तुम खेल सकती हो, बट लेकिन प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, लेकिन प्लीज़ इनका, इसका ख्याल रखना, मतलब इसकी हिफाजत करना, मेरे खिलौने को तोड़ मत देना, येस श्योर, जी हाँ यकीनन, थैंक यू, आपका शुक्रिया, यू आर वेलकम, आपको खुश आमदीद। आंसर दीज क्वेश्चन, इन सवाल के जवाब दें। हु वॉज लेट फॉर स्कूल, हु वॉज लेट फॉर स्कूल, स्कूल से कौन लेट था, तो हु की जगह पे हमने लिखना है आमिर, क्योंकि आमिर ही लेट था, आमिर वॉज लेट फॉर स्कूल। वाई वॉज देयर अ ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम क्यों था, देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, देयर वॉज, आप बिकॉज अगर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बिकॉज क्योंकि देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, सड़क पर एक एक्सीडेंट था।
जस्ट ऐसे भी लिख सकते हो, देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, सड़क पर एक हादसा हुआ था. या जस्ट इतना भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट की वजह से. हाउ डू ट्रैफिक सिग्नल्स हेल्प अस, ट्रैफिक सिग्नल हमारी कैसे मदद करते हैं. वी कैन कंट्रोल, हाउ डू ट्रैफिक सिग्नल्स हेल्प अस. वी कैन ट्रैवल सेफली, हम बाईफाजा सफ़र कर सकते हैं. इफ़ अगर वी फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, अगर हम ट्रैफिक के इशारों को फॉलो करते हैं तो हम हिफाजत से सफ़र कर सकते हैं. Read the following words and join them to make sentences. अब ये जो दिए गए words हैं, हमने इन्हें पढ़ना है, उसके बाद हमने इसका सेंटेंस बनाना है. ये जो words हैं, ये इन्होंने इधर उधर करके दिए हुए हैं, हमने इनका एक तरतीब के साथ ये पूरा सेंटेंस बनाना है. अब ट्रेन इज़ आ दिस, ये तो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? दिस इज अ ट्रेन, ये एक ट्रेन है. अब एन वाज देयर एक्सीडेंट, तो इसका सेंटेंस बनेगा देयर वाज एन एक्सीडेंट, देयर वाज एन एक्सीडेंट. रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. अब हमने ब्लैंक्स को फिल करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ. कासिम इज लेट फॉर स्कूल ड्यू टू अ ट्रैफिक जैम, ठीक है, ट्रैफिक जैम की वजह से वो स्कूल से लेट था. यहाँ पर है व्हेन द डैश लाइट इज ऑन यू नीड टू स्टॉप एंड वेट. तो हमें कब स्टॉप और वेट इंतज़ार करने की ज़रूरत होती है? जब कौन सी लाइट जलती है? रेड लाइट. यहाँ पर इन्होंने गलती से लिख दिया है कासिम नहीं था, आमिर था यहाँ पे. ये कोई ऐसा इशू नहीं है, आपको पता ही है कि लेट कौन था और इसकी रीज़न क्या थी, वो तो हमने ट्रैफिक जैम ही करना है. We use a car, bus और motor bike to travel by road. Road पर जब हमने सफ़र करना होता है तो हम car, bus और motor bike को इस्तेमाल करते हैं. Road आएगा यहाँ पर. We use a dash to travel by rail. तो rail पर जब हमने सफ़र करना होता है तो हम क्या use करते हैं? Train को use करते हैं, रेलगाड़ी का इस्तेमाल. रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग. अब इन वर्ड्स को इनके मीनिंग के साथ पढ़ें. ट्रांसपोर्ट क्या है? अ व्हीकल, जो भी गाड़ी होगी वो ट्रांसपोर्ट होगी. ट्रैफिक मूविंग व्हीकल्स, चलती हुई जो गाड़ियां हैं वो क्या हैं? ट्रैफिक. सेफली बाय हिफाजत, इन अ सेफ वे, हिफाजती तरीके से, महफूज तरीके से. ट्रैफिक जैम, व्हीकल्स स्टक ऑन द रोड. व्हीकल्स गाड़ियाँ जब स्टक ऑन, रुक जाती हैं, फंस जाती हैं रोड पर, सड़क पर, तो उसे ट्रैफिक जैम कहा जाता है. रीड द वर्ड्स एंड लर्न स्पेलिंग फॉर डिक्टेशन, ठीक है, डिक्टेशन के लिए स्पेलिंग याद करने हैं, इन वर्ड्स को पढ़ना है हमने. वर्ड्स की जब हमने डिक्टेशन याद करनी होती है तो हम वर्ड्स को उसके पार्ट्स में पढ़ने की कोशिश करती हैं, ठीक है, उसके सिलेबल बनाकर पार्ट्स में हम वर्ड्स को पढ़ते हैं ताकि हमें वर्ड्स के स्पेलिंग जो है वो अच्छे से याद हो जाए. टू सिलेबल वर्ड्स आर प्रोनाउंस इन टू पार्ट्स टुगेदर, जैसे है लार्ज, एस, लिविंग एट्सेट्रा. थ्री सिलेबल वर्ड्स आर प्रोनाउंस इन थ्री पार्ट्स टुगेदर. जो टू सिलेबल वर्ड होता है उसको हम टू सिलेबल में एक साथ पढ़ते हैं, टू सिलेबल्स को जोड़कर आपस में पढ़ते हैं. और जो थ्री सिलेबल वर्ड होता है वो उसके तीनों पार्ट्स को हम मिलाकर पढ़ते हैं, तीनों पार्ट्स को हम फिर मिलाकर पढ़ते हैं. और टू सिलेबल को टू
टू सिलेबल वर्ड्स को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं कि उसके जो दोनों पार्ट्स होते हैं उनको इकट्ठे मिलाकर पढ़ते हैं, और थ्री सिलेबल वाला जो वर्ड्स होता है उसको प्रोनाउंस करने के लिए हम उसके जो तीनों पार्ट्स होते हैं उन्हें मिलाकर पढ़ते हैं। अब ये वर्ड्स हैं उनकी सिलेबल डिवीजन है कि कितने सिलेबल में हमने उन्हें डिवीजन किया है, अगर डिवीजन लिखी हुई है जितने में किया हुआ है उन्हें। लिविंग, लिव इन, लिविंग, स्पेलिंग याद करने के लिए आसानी से हमें याद हो जाता है, लिव इन, लिविंग। फेमस, 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 फेमस। ब्यू, ब्यूटीफुल को कितने पढ़े, थ्री सिलेबल में हम पढ़ेंगे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। फेवरेट, 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 फेवरेट। रीड द गिवन साइट वर्ड्स, रीड द गिवन साइट वर्ड्स, बसरी अल्फाज को पढ़ें ये जो दिए गए हैं। स्लीप, वॉक, अगेन, नो, मे। स्लीप, वॉक, अगेन, नो, मे। नाउ आप राइट लिखें ईच साइट वर्ड्स, हर एक जो साइट वर्ड्स है, ये जो साइट वर्ड्स हमने पढ़े हैं, इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स, इन शेप बॉक्स में हमने लिखना है जो इसमें फिट्स आते हैं, फिट आते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने बसरी अल्फाज पढ़े हैं इन्हें इन बॉक्स की शेप्स के मुताबिक लिखना है जो इसमें फिट आ जाए। ये मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मे, अगेन, स्लीप, वॉक, नो। अब ये देखें एम ए, ये इनकी सीक्वेंस एक जैसी है तो इनको हम इधर लिखेंगे, वाई नीचे की तरफ होता है तो ये इसमें फिट आ गया, मे। इसी तरह ये अगेन है, स्लीप है, और वॉक है, नो है। इसी तरह हम इंग्लिश लिखते हैं तो कुछ वर्ड्स जो हैं होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, कुछ थोड़ा सा ऊपर होते हैं और कुछ लाइन से थोड़ा सा नीचे होते हैं। तो जो शेप्स में इन बॉक्स में फिट आ रहे हैं वो वर्ड्स हमने लिख दिए। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, अब इन वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए जिसमें लेटर मिस हैं वो हमने लिखने हैं। कोर्ट, सी यू आर डी, कोर्ट, लाइट्स, यहाँ पे एच लिखा है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पर भी आर है, ट्रांसपोर्ट। ट्रैवल, वी है, रूल, यहाँ पे यू लिखा है, ट्रैवल, रूल। कोर्ट, लाइट्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, रूल। वर्ड्स टू शो पोसेशंस, मलकियत को जाहिर करने वाले अल्फाज, वर्ड्स टू शो पोजेशन, मलकियत को जाहिर करने वाले अल्फाज, पोजेशन कहते हैं मलकियत, कब्जा। यहाँ पर देखें सम वर्ड्स, कुछ अल्फाज आर यूज, इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर पोजेशन, मलकियत को जाहिर करने के लिए, ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ की मलकियत को जाहिर करने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है वो फ़लाँ के कब्ज़ा में है, ठीक है, या फिर मेरे कब्ज़ा में है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो मलकियत को शो करते हैं। ये सेंटेंस पढ़ें आपको समझ आ जाएगी, मरियम लाइक्स हर न्यू ड्रेस, मरियम लाइक्स, मरियम पसंद करती है हर न्यू ड्रेस, अपने नए लिबास को। अब हर ने मलकियत को शो किया है, पोजेशन को शो किया है कि जो नया ड्रेस है वो किसकी मलकियत है, मरियम की मलकियत है, मरियम पसंद करती है अपने न्यू ड्रेस को। शी इज़ माई मदर, वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। जो माई वर्ड है इसने क्या शो किया, मलकियत जाहिर की है कि वो मेरी माँ है, कि माँ पर मेरा कब्ज़ा है, वो मेरी माँ है। यू कैन हैव योर डिनर नाउ, यू कैन हैव योर डिनर नाउ, यू कैन हैव योर डिनर नाउ, आप तुम अपना डिनर जो है रात का खाना वो ले सकते हो। कुड यू ब्रिंग हिज टी, कुड यू ब्रिंग हिज टी, क्या तुम उसकी चाय ला सके। आवर मील इज़ रेडी, आवर मील, हमारा खाना इज रेडी, तैयार है। हिज टी, उसकी चाय, योर डिनर, योर डिनर, यू कैन हैव योर डिनर नाउ, आप तुम अपना योर डिनर, मतलब यू कैन, तुम दे सकते हो, यू कैन हैव, तुम दे सकते हो, योर डिनर, अपना डिनर, रात का खाना, नाउ, आप किसका खाना है, योर डिनर है, आपका खाना है,
तो अब तुम अपना खाना ले सकते हो। माई मदर है मेरी माँ है, ठीक है। हर न्यू ड्रेस है उसका नया लिबास है, उसका नया लिबास है। तो हर माई योर हिज आवर, इन वर्ड्स ने क्या शो किया? मलकियत को शो किया, ठीक है, कब्जे को शो किया कि फलां चीज़ जो है वो फलां के कब्जा में है। पोजेशन, पोजेशन को शो करने वाले ये जो ये वर्ड्स जो रेड में हैं, ये पोजेशन को शो कर रहे हैं, मलकियत को शो कर रहे हैं ये वर्ड्स। मैं एक सेंटेंसेस सेंटेंस बनाए, जुमले बनाए विद द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक पर ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके आपने सेंटेंस बनाने हैं। माई है कुछ भी आप कह सकते हो, कोई भी चीज़ आपकी हो सकती है। दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बैग, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब हिज का है, हिज हाउस इज़ ब्यूटीफुल, हिज ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, इसी तरह हर हाउस इज़ ब्यूटीफुल, हर बैग इज़ ब्यूटीफुल, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। योर का भी इसी तरह बना सकते हो, योर पेन इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, योर बैग इज़ ब्यूटीफुल, ये स्पेल मोस्टली बच्चों को आते हैं, ठीक है। देयर हाउस इज़ बिग, उनका घर बड़ा है, देयर हाउस इज़ बिग, उनका घर बड़ा है। इट्स इट्स का भी आप इसी तरह कोई भी बना सकते हो, इट्स का, ठीक है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का नाम ले सकते हो। इट्स बैग इज़ बिग, इट्स बैग इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। अब है आवर, हमारा, दिस इज़ आवर हाउस, ये हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस, दिस इज़ कोई भी चीज़ आपकी हो सकती है, दिस इज़ आवर बॉल, ये हमारी बॉल है। प्रेपोजिशन है हरूफ जार, पोजिशन वर्ड्स, जो भी वर्ड्स पोजिशन को शो करते हैं, किसी भी चीज़ की पोजिशन को शो करने वाले वर्ड्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशन हरूफ जार। पोजिशन वर्ड्स, जो पोजिशन वर्ड्स होते हैं, पोजिशन वर्ड्स आर यूज्ड, इस्तेमाल किए जाते हैं टू टेल, बताने के लिए द पोजिशन और प्लेस और नाउन, किसी भी जगह की पोजिशन को, किसी भी जगह की हालत के बारे में बताने के लिए कि कौन सी चीज़ जो है वो किस हालत में है और किस जगह पर है, ठीक है, किस जगह पर है, किस हालत में है, तो उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? पोजीशन वर्ड्स कहा जाता है, ठीक है, जो किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में बताए कि कौन सी चीज़ जो है वो किस हालत में है, किस जगह पर है। रीड द गिवन सेंटेंसेस, अब ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगी। देयर इज़ अ चेयर, देयर इज़ अ चेयर, एक कुर्सी है टू द लेफ्ट ऑफ द टेबल, ठीक है, मेज़ के लेफ्ट साइड पर, मेज़ के बाएं तरफ। There is a chair to the left of the table. Table की left side पर। टू, we watched the valley. हमने वादी देखी from the top of the hill. पहाड़ी के ऊपर से। कहाँ से देखी? पहाड़ी के ऊपर से। From the top of the hill. The boy is climbing up the tree. लड़का दरख्त पर चढ़ रहा। He lives down the hill. वो पहाड़ के नीचे रहता है। Shall we sit here? Shall we sit here? क्या हम यहाँ बैठेंगे? क्या हम यहाँ बैठेंगे? ठीक है, वो पहाड़ी के नीचे रहता है। I went there, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया and waited for my bus, और अपनी बस का इंतज़ार किया। अब ये जो जितने भी रेड कलर में वर्ड्स लिखे गए हैं, इन सारे वर्ड्स ने किसी ना किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में बताया है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को पोजीशन वर्ड्स कहा जाता है, जो किसी भी चीज़ की किसी भी इसम की, इसम में कोई भी चीज़ आ सकती है, ठीक है। हर चीज़ का, दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका नाम ना हो, ठीक है। तो किसी भी नाउन की प्लेस और पोजीशन के बारे में जो वर्ड्स बताते हैं हमें, उन्हें पोजीशन वर्ड्स कहा जाता है। मेक सेंटेंसेज विद द गिवन पोजिशन वर्ड्स इन योर नोटबुक। अब ये जो पोजिशन वर्ड्स दिए गए हैं, इनके सेंटेंस बनाने, यहाँ पर मैंने आसान आसान लिखे हैं। आपका है स्टैंड अप, या ये भी कह सकते हो डोंट गो अप स्टेयर, डोंट गो डाउन स्टेयर। तो आपके ये मैंने आसान आसान लिखे हैं, स्टैंड अप, सिट डाउन, हेयर, योर पेन इज़ हेयर, योर बैग इज़ हेयर,
देयर देयर इज़ अ कैट अंडर माई बेड, मेरे बेड के नीचे एक बिल्ली है, या कुछ भी बना सकते हो देयर का, और भी जो आपको आसान लगे। आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, हियर द गिवन रूल्स। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने होते हैं, टोटल आर्टिकल्स कितने होते हैं, तीन होते हैं आर्टिकल्स, आ एन और द, आ एन और द। और इनकी काइंड्स कितनी हैं, दो काइंड्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, बहुत डिटेल के साथ उसमें लिखा हुआ है, और आपको आसानी से उसमें समझ आ जाएगी, वो फुल डिटेल में है आर्टिकल के बारे में। यहाँ पर बच्चों के हिसाब से थोड़ा बहुत इन्होंने बताया हुआ है, तो बच्चों के लिए इतना ही फ़िलहाल जानना काफ़ी है। रीड द गिवन रूल्स, अब ये रूल्स आप जस्ट इतने ही सीखें जितने यहाँ पे दिए गए हैं। वी यूज़ आ, हम यूज़ करते हैं आ को। आर्टिकल्स मैंने बताया था कि तीन हैं, आ एन और द, आ एन और द। अब हमने इसको किस नाउन से पहले लेकर आना है, किस नाउन से पहले आ आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। वी यूज़ आ, अब हमने आ को कहाँ पे यूज़ करना है, वी यूज़ आ बिफोर सिंगुलर नाउन, सिंगल नाउन से पहले हम आ को इस्तेमाल करेंगे, और बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, ये जी अ बॉय अ गर्ल। और उस वर्ड्स के जो जो नाउन होगा, एक तो वो सिंगल होगा, वो नाउन एक तो सिंगल होगा, और दूसरी उसकी जो साउंड होगी वो कॉन्सोनेंट साउंड होगी। जिस तरह से हम कॉन्सोनेंट वर्ड को पढ़ते हैं ना, कॉन्सोनेंट वर्ड्स की जो साउंड होती है लेटर्स की, तो वो उनकी साउंड होनी चाहिए, स्टार्टिंग साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, ठीक है। तो उनके साथ हमने आ लगाना है, जैसे आ बॉय अ गर्ल, अब बी कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है, बॉय गर्ल, इनकी एक तो ये सिंगल सिंगल नाउन है, और दूसरा इनकी जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट की है। अब है वी यूज़ एन बिफोर सिंगुलर नाउन, एन को भी हम सिंगल नाउन के से पहले इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसकी साउंड वोवल की होगी। जो वोवल्स की साउंड होती हैं, हमने बहुत दफ़ा वोवल्स की साउंड के बारे में पढ़ा है, तो जो वोवल्स की साउंड होंगी उससे पहले सिंगल नाउन भी होगा, और वोवल्स के साउंड से पहले हम एन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे एप्पल, एलिफेंट, ठीक है, एन एप्पल, एन एलिफेंट, ये वोवल्स की साउंड है, ए की और ई की, ये वोवल साउंड है, तो इनसे पहले हमने एन का इस्तेमाल किया, सिंगल भी है और वोवल साउंड भी है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ, आपने जस्ट वही याद रखनी है तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि आ किसके साथ लगाना है और एन किसके साथ लगाना है। जो भी वर्ड होगा आपने उसको उर्दू में लिख कर देख लेना है, ठीक है। जो भी वर्ड होगा ना उसको आपने उर्दू में लिख कर देखना, अपने माइंड में ही लिख लें। अगर स्टार्ट में उसके अलिफ आ जाएगा, उसके स्टार्ट में अलिफ आ जाएगा, तो उसके साथ आपने एन लगाना है, बेशक वो कॉन्सोनेंट साउंड हो, ठीक है। जैसे अब ये एम में है, एम, एम तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट लेटर है ना एम, एम, लेकिन इसकी साउंड कॉन्सोनेंट की नहीं है, एम आ की साउंड है, एम तो आ की साउंड दे रहा है, ठीक है, वोवल की साउंड दे रहा है एम। अब एम को उर्दू में लिख कर देखें, तो देखो स्टार्ट में अलिफ आया है, तो इसके साथ हम एन लगाएंगे, ठीक है, बेशक कॉन्सोनेंट लेटर हो या वोवल हो, आपने उसको उर्दू में लिख कर देखना है। अगर स्टार्ट में अलिफ आ गया तो आपने उसके साथ एन लगाना है, और इंग्लिश में उसकी अगर आ की साउंड हो तो आपने, ठीक है, उसके साथ एन लगाना है। आप ये देखें वोवल है लेटर, लेकिन इसकी साउंड वोवल की है, जो सॉरी लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड इसकी वोवल की है, आ की आ रही है, एम, एम आ की साउंड आ रही है, तो उसके साथ हम एन लगाएंगे। इसी तरह आप ये देखें यूनिफॉर्म है, यू वोवल है, यू लेटर जो है वो वोवल है, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म में यू जो है वो वोवल की साउंड नहीं दे रहा, वो वोवल की साउंड नहीं दे रहा यू यहाँ पर, ठीक है, ये की साउंड आ रही है। आप इसको उर्दू में भी लिखकर देखें तो ये देखें स्टार्ट में क्या आता है, यू, अलिफ नहीं आ रहा, अलिफ नहीं आ रहा, ठीक है, यूनिफॉर्म। तो आपने इसके साथ एन नहीं लगाना, इसके यूनिफॉर्म के साथ आप एन नहीं लगा सकते, बेशक ये वोवल लेटर है लेकिन इसकी साउंड वोवल की नहीं है, आपने साउंड देखनी है, ठीक है। अब देखें अम्ब्रेला है, यहाँ पर आ की साउंड है, यू आ की साउंड दे रहा है, अम्ब्रेला स्टार्ट में, इसमें इसको हम उर्दू में भी लिख कर देखें तो स्टार्ट में अलिफ आ रहा है, अम्ब्रेला,
अम्ब्रेला, तो इसके साथ हम एन लगाएंगे। यहाँ पर अम्ब्रेला है यू के साथ, अम्ब्रेला वोवल की साउंड दे रहा है, आ की साउंड दे रहा है, तो हम इसके साथ एन लगाएंगे। यहाँ पर वोवल की साउंड नहीं दे रहा यू, तो हम इसके साथ एन नहीं लगाएंगे। ठीक है, जस्ट आपने साउंड देखनी है, आसानी से आपको समझ आ जाएगी। आपने बस जो भी वर्ड होगा उसको अपने माइंड में फौरन से लिख के देख लेना, अच्छा इसके साथ आना है कि एन आना है। अगर उसके स्टार्ट में अलिफ आ गया तो उर्दू में लिख कर देख लें, आ गया तो आपने उसके, अलिफ आ गया तो आपने उसके साथ एन लगा लेना। अभी देखें, वी यूज द विद द नेम्स ऑफ रिवर्स कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे जस्ट उन्होंने दिया कि रिवर्स और कॉन्टिनेंट्स, और जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, ख़ास चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो ख़ास चीज़ें होती हैं प्रॉपर नाउन होते हैं उनके साथ हम हमेशा दा लगाते हैं। और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की जो थर्ड डिग्री है, एडजेक्टिव्स की जो इसम सिफ्त की जो तीसरी डिग्री है, उसके साथ भी हमेशा दा आता है, ठीक है, और प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा दा आता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारा मैंने आर्टिकल का डिटेल से दिया दी हुई है वीडियो, तो उसको ज़रूर देखिए। अब यहाँ पर है अंडरलाइन द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस बिलो। करेक्ट मतलब कौन सा आर्टिकल आएगा, देयर इज अ कैट अंडर माई चेयर। अब कैट के साथ आएगा कि द आएगा, देयर इज अ कैट अंडर माई चेयर। यहाँ पर क्या आएगा ये हमने देखना है, सोचें आप लोग, मैं भी सोचती हूँ कि हमने यहाँ पे क्या लगाना है। ठीक है, अब कैट है, साउंड देखें सी की, का की साउंड आ रही है। उर्दू में भी लिखकर देखें तो स्टार्ट में इसके काफ आएगी, अलिफ नहीं आएगा, तो कैट के साथ क्या आएगा, आ आएगा। ही हैड एन आएगा कि दा आएगा, ही हैड एग फॉर ब्रेकफास्ट। अब एग को आप उर्दू में लिखकर देख लें, ये देख लें, स्टार्ट में अलिफ आएगा, ठीक है, एग अलिफ आएगा, तो हम एग एग अलिफ आएगा स्टार्ट में, ठीक है, तो इसकी वोवल की साउंड है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एन आएगा, ही हैड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट, आई हैड आ एन ग्लास ऑफ जूस इन द मॉर्निंग। अब ग्लास है, ग्लास ग्लास, ठीक है, इसको लिखकर देखें उर्दू में, ग्लास गाफ आ रहा है स्टार्ट में, अलिफ नहीं आ रहा, और गा कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या आएगा, आ आएगा। आई पुट ऑन आ द स्वेटर टूडे, आई पुट ऑन स्वेटर टूडे। अब देखें स्वेटर है, सा की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। He put on a sweater today. Read the following dialogues. Hello Sam, when did you come back to Lahore? तुम लाहौर से। Hello Sam, when did you come back to Lahore? तुम लाहौर से कब वापस आए। Hi Johnny, yes, I came back yesterday. Hi Johnny, जी हाँ, I came back, मैं वापस आया yesterday, कल, मैं कल वापस आया। Which transport did you use, which transport, कौन सी transport did you use, तुमने कौन सी transport इस्तेमाल की। I came by train, by train से वापस आया, मैं train के से मतलब मैंने train का सफ़र किया, मैं रेलगाड़ी से वापस आया। Think and complete your own dialogue in the given speech bubbles, again speech bubbles को हमने complete करना है और एक नया dialogue बनाना। Hi Umair, where are you going? Hi Umair, where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? Hi Ali, I am going to Lahore. Hi Ali, I am going to Lahore. मैं लाहौर जा रहा हूँ। Which transport are you using? Which transport? कौन सी transport are you using? तुम इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब कौन सी transport तुम इस्तेमाल कर रहे हो, किस transport से तुम जा रहे हो। I am going by bus. मैं बस के ज़रिए जा रहा हूँ। गोइंग बाई बस, मैं बस के ज़रिए जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज जो है लेसन 5 की, वो कम्प्लीट हुई, बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।